people are going places, and one of the most prestigious project that one could ever witness in the music industry scene. So what would you like to say? I'm so happy ke sab logon ka aashirwad mila hai aur itna लाजवाब रिस्पॉन्स जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ऊपर निकला, क्योंकि ये तो पता ही था कि एक यूनिक एल्बम है, लेकिन आज के दौर में लोगों को एक वहम रहता है कि अरे क्लासिकल ये वो, लेकिन इतना खूबसूरत रिस्पॉन्स के जिसकी वजह से एक ताकत मिल रही है हम लोगों को कि हाँ ऐसा प्रोजेक्ट आना चाहिए जो कि जनरेशन्स को समझाए कि हमारा ये म्यूज़िक है। एट द सेम टाइम कि जो लोगों को एक था कि नहीं 3 मिनट का गाना होना चाहिए, 4 मिनट का गाना होना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें जिन कंपनीज़ ने सपोर्ट किया, टी सीरीज़ ने और सारे ग्रेट माइस्ट्रोज हमारे साथ जुड़े, तो आज के दौर में 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट का गाना आदमी सुन रहा है और उसको एक बार नहीं बार 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 सुन रहा है, तो ये हमारे लिए इससे खूबसूरत अचीवमेंट तो क्या होगी कि लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी यूएसपी पंडित बिरजू महाराज जी पद्म विभूषण, जो कि अपने आप में लॉर्ड ऑफ डांस कहते हैं हम उन्हें बहुत एक अलग दर्जा दिया जाता है, और उनकी पोइट्री जो कि रिकॉर्ड आज तक नहीं हुई है, तो शुरुआत ही वहाँ से हुई, फिर मुझे ब्लेसिंग्स मिली कि मैं उसको कंपोज करूँ, और सुखविंदर सिंह जी, जावेद अली साहब, बॉम्बे जयश्री जी, श्रेया जी, राशिद खान साहब, बिरजू महाराज जी हिमसेल्फ, तो ये सारा उनके साथ ऐड ऑन जो हुआ कि नीलाद्री कुमार, ऑन सितार, राकेश चौरसिया, यू राजेश, ये सारी चीज़ें इकट्ठे होते 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 ऐसा लगता है कि ये प्लान आज का नहीं हो सकता, ये सदियों का प्लान है, जो कि एक हर कंपोज़र की एक तमन्ना होती है कि मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड करूं जो आज तक नहीं हुआ है, तो वो ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया, तो इट वॉज परफेक्ट फॉर दिस एल्बम कि मन भीतर बिरजू महाराज जी से लेके मुझ तक, मैं ये कहूँगा कि इतना करेक्टली कनेक्ट हुआ, और रचना सारंग जो कि मेरी आंटी हैं, जो कि बिरजू महाराज जी की शिष्या रह चुकी हैं, आज के दौर में अपने गुरु को ऐसी भेंट देना कि आप जनरेशन्स तक इसके बारे में बात करें, और जनरेशन्स तक मुझे लगता है कि इतना इंटरनेशनली, आज ही सुबह मेरे पोलैंड से मेरे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छी कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने कहा कि आई एम कोरियोग्राफिंग ऑन योर सॉन्ग एंड आई वांट टू प्रोड्यूस, व्हाई डोंट यू प्रोड्यूस सम मोर सॉन्ग्स लाइक दिस, तो अ ग्रेट 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 रिस्पॉन्स, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जल्दी ही देखेंगे भी, और भी जी बहुत बड़ी पंडित बिरजू महाराज भी फीचर कर रहे हैं जी, बिल्कुल, पंडित बिरजू महाराज जी, रचना सारंग जी, मैं खुद, श्रेया सरन जी, और उसमें बहुत टेंशन था कि किसको लिया जाए, क्योंकि उतना खूबसूरती से उस डांस को प्रेजेंट करना, उसको भाव आना, तो मेरे छोटे भाई जो कि जिन्होंने गाना डायरेक्ट किया है, संदीप महावीर, सो उन्होंने जब श्रेया सरन जी को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये करेंगी, तो वी वर नॉट अवेयर कि भाई ये कैसा होगा क्या होगा, बट मैं जब रिहर्सल देखने के लिए गया और मैंने जब उनका भाव देखा, तो मैंने कहा माय गॉड दिस इज आउटस्टैंडिंग, और ये वाकई आज के दौर में, क्योंकि नॉर्मल गाने कर लेना एक अलग बात होती है, लेकिन बिरजू महाराज जी की पोइट्री को और ऐसे गानों में जो कि एक अपने आप में एक क्लास रखते हैं, अपनी आँखों से अपने कैमरे पे आप सब कुछ बयां कर देंगे, ये आसान नहीं होता, तो श्रेया शरण जी, संदीप महावीर एंड द एंटायर टीम हैज डन अ अमेजिंग अमेजिंग जॉब। एक तरीके से ये पंडित बिरजू महाराज का डेब्यू है। हाँ जी, उनकी पोइट्री आज एब्सोल्युटली, आज उनकी पोइट्री जो है इस तरीके से आई है कि बिरजू महाराज जी का खूब आशीर्वाद मिल रहा है, और लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि ऐसी पोइट्री भी है जो कि हमने सुनी नहीं, या लोगों को लगता है कि शायद ये फिल्म तक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, आज ये फिल्म से बाहर भी आया है और ये फिल्म के लेवल तक उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, एल्बम नहीं लग रहा है वो। मैं टाइटल
ही गाना पसंद करूंगा, बाकी सब कमाल है ही, आप लोग सुनिए और उसको बहुत मजे लीजिए। मन भीतर प्रेम समाए रहो, मन भीतर प्रेम समाए रहो, कट जाए दिनाना कटे रतिया, मन भीतर प्रेम समाए रहो, समाए रहो।